सो गाइज़, अगर आप सैमसंग S21 FE को गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इस पर VGMI चलाने वाले हैं फुल ऑन स्पीड के साथ। VGMI में गेम मैंने अभी फिलहाल इसमें डाउनलोड कर लिया है, तो इसका बैकअप देखते हैं कि कितना बेटर चलेगा, क्योंकि इसमें VGMI जो है अल्ट्रा पे भी चलता है। तो पहले इसमें आपको सेटिंग भी दिखा दूंगा कितने पे कितना चलता है ये। फिलहाल मैंने इसको अभी चार्ज है मेरा फ़ोन 81%, क्योंकि इसमें जो स्मार्ट मोड आता है जो बैटरी को हेल्थ को बचाने के लिए 85% तक मैं इसको चार्ज करता हूँ। तो आज के इस वीडियो का यही रिव्यू है कि भैया VGMI जो है कितने घंटे तक आप इसको खेल सकते हैं, और हम इसको खेलेंगे अल्ट्रा सेटिंग पे, कि मतलब हाई लेवल सेटिंग है। अब 4K फ़ोन सपोर्टेबल है तो इतना तो चलता ही है। चेकआउट करेंगे कि कितना हीट अप करता है ये, कितना बैकअप देगा है। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो गेमिंग के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका द टेक फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो अपन ने VGMI जो इसमें डाउनलोड कर लिया है, जो आपको पता ही होगा करप्टॉन की तरफ से आता है, पहले पबजी था, अब इसको VGMI के नाम से दिया गया है, और ये भी बैन हो गया था लेकिन फिर से वापस किया गया है, और यहाँ पर ये शुरू हो गया है, सब कुछ चालू हो गया है, साउंड भी आप सुन रहे होंगे, स्पीकर मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी देखिए बैटरी परसेंटेज है 81%, तो इसको हम चेकआउट करेंगे यहाँ से, जो इसका ऐप यूज़र बैटरी वाला होता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है अभी पबजी का आ रखा है 1.2%, जो व्यू डिटेल्स में आया है 9 मिनट का एगो है, और एवरेज आज ही मैंने इसको यहाँ देखिए अब 11 जून का आ रखा है, तो इसको हम एक दो मिनट लेस करके देख लेंगे कितना परसेंट तक चलेगा। बाकी अभी हम चेकआउट करते हैं खुलते ही, खुलने खुलने में ही कम से कम इसमें 30 से 40 सेकेंड ले लिया है। मतलब प्रॉपरली ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, और इसमें प्रोसेसर भी इतना अच्छा नहीं है जो मेरे हिसाब से है। एक्सनोस का इसमें प्रोसेसर डाला गया है, अगर स्नैपड्रैगन वगैरह डाला जाता तो शायद काफ़ी बेटर होता, और प्लस ये हैंडी छोटा भी है, तो देखते हैं। और अभी से ये हीट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हीटिंग होनी शुरू हो गई है। पीछे की तरफ मैंने इस पर ग्लास लगा रखा है, और एल्युमिनियम बॉडी के साथ ही देखने को मिल जाता है, और अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, 67% पे हुआ है। बैकग्राउंड में भी नथिंग, कुछ ऐप मैंने रखे नहीं है, और देखते हैं कितना हो रहा है स्टार्ट। उसका एक या डेढ़ मिनट इसने अभी शुरू होने में ही ले लिया है, इतना स्लो पता नहीं क्यों चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट इसने ले लिया है ओपन होने में, गेम तो काफ़ी सही चल रहा है, लेकिन हीट होना स्टार्ट हो गया है अभी, और बैटरी परसेंटेज हो गई है 79। सो आज इसको बैटरी हम ज़ीरो करके मानेंगे फुल ऑन, देखेंगे कितना बैकअप तक ये चल जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया गेम नहीं खेला है पबजी, जब से पबजी बैन हुआ था तब से तो बिल्कुल ही नहीं खेला था। इसकी ब्राइटनेस जो है हम बढ़ा देते हैं, और एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया इसमें, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यार एक ही साला बेकार सा आ गया है सेंसिटिविटी वाला। I got supplies.
काफ़ी टाइम हो गया इसको स्किप करे हुए हैं। बंदा भी पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है। I need a weapon. एक और चीज़ मैं बता रहा था आपको, इसमें जो है आपको गेमिंग बूस्ट मोड मिल जाता है जो यहाँ पर दिखाया गया ओपन बूस्ट मोड। यहाँ पर देखिए क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि बैटरी दिखा रहा है आपको 4 पॉइंट लेफ्ट, मतलब 4 से 5 घंटा देगा, मेमोरी गुड है एंड टेम्परेचर जो है इसका इतना ज़्यादा हाई हो गया है। देखिए आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ टेम्परेचर गेमिंग मैनेजमेंट, और इसको आप कूल वगैरह भी शायद ऑटो मैनेज परफॉर्मेंस इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। बाकी इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिया गया है और ये मिनिमाइज हो गया है। बूस्टिंग मोड दे रखा है कि भाई आपको किस तरीके से चेकआउट करना है इसमें। I got supplies. काफ़ी टाइम के बाद खेल रहा हूँ तो इसमें 4 फिंगर खेल रहा हूँ, लेकिन 2 फिंगर ही खेलना पड़ रहा फिलहाल। कभी ज़माने में मेरी AK-47 बहुत ज़्यादा फेवरेट थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खेलता था मैं। जब पबजी बैन हुआ था तो उसके बाद खेलना जो है इसका क्रेज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी भी फ़ोन जो है हीट अप हो रहा है, तो अभी मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ कितना ये हीट हो रहा है। खोलते हैं बूस्टिंग मोड, देखिए टेम्प, सॉरी इसको पहले निपटा देते हैं, एक आदमी आ गया भाई। ये निपटा दिया है, अब देखिए बूस्टिंग मोड जो है इसमें पर टेम्परेचर हाई हो चुका है। मॉनिटरिंग बूस्टिंग मोड इनक्रप्टेड ऐप टेम्परेचर इज बींग मैनेजड वॉल्यूम इज लिमिटेड अंटिल योर फोन कूल डाउन। गेमिंग परफॉर्मेंस दे रखा है एंड मेमोरी का दे रखा है, तो शायद मैनेज कर ही रहा होगा भाई जब कह रहा है भाई। तो ब्राइटनेस इसकी फुल कर रखी है लेकिन मुझे फिर भी इसकी डिस्प्ले जो है वो कम लग रही है गेमिंग के लिए। Thank you.
ये निपटा दिए भाई तीन। मैं आपको इसलिए इस कैमरे में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करूँगा तो उसके जो कंज्यूमेशन है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी जाएगा। प्रॉपरली मैं इसको आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ इसीलिए करके, और इसको टाइम लैप्स की मदद से मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। अभी मैं इंडोर में गेमिंग खेल रहा हूँ लेकिन फिर भी इसकी जो लाइटिंग है वो ब्राइटनेस है वो बहुत कम मुझे लग रही है। अरे बहुत टाइम हो गया यार बाइक चलाए हुए पबजी में, अब तो अपन रियल लाइफ में ही चलाते हैं गाड़ी। अपना अब चलते हैं अपन रोचक, क्या है रोचक है, रोचक है पता नहीं। क्योंकि अपन ने तो बस पबजी का एक गेम प्ले बनाना है ना। अरे तीन नंबर को भून दिया भाई, रे भून दिया तीन नंबर तो अन्य वही हो गया। बैटरी हुई है 73%, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव चल रहा है। अभी गेम प्ले अल्ट्रा पे चल रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और फुल ऑन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।
अनकिल्स हो गए अपने भाई। इसमें कस्टमर आते हैं थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो जाती है भैया। एक ही शॉर्ट से ढूंढ रखा हुआ है भाई। तीन किल्स बचे हुए हैं। यस, चिकन विकन डिनर हो गया रे भाई। सो गाइस, ये एक गेम प्ले खेला है हमने और 70% बैटरी बची हुई है, यानी 10% की बैटरी अभी बची हुई है। अब देखते हैं इसका कितना कंज्यूमेशन इसने किया है, तो जिसके बाद आपको एवरेज आ जाएगा कि बैटरी पैकअप किस तरीके का है इसका। भाई कमाल का गेम प्ले था एंड स्मूथली काफ़ी ज़्यादा चलता है। सो गेम बूस्टर खोल के आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए टेम्परेचर हाई चला गया, परफॉर्मेंस गुड था एंड 3.44, मतलब अभी 4 घंटे का बैटरी बैकअप भी इजीली दे सकता है कि भाई अगर हम इसको अल्ट्रा पे चलाते हैं तो बहुत ही तगड़ा, मतलब आप इजीली मान सकते हैं कि 6 से 7 घंटे तक बैटरी बैकअप ये दे सकता है। मैं आपको फिर से एक बार इसकी सेटिंग जो होता हूँ वो दिखा देता हूँ। देखिए ग्राफिंग एंड ऑटो सेटिंग पे चल रहा है, बिग कॉम्पैक्ट लोबी, लोबी को अगर आप जाते हो तो HDR अल्ट्रा पे जाता है, लेकिन कॉम्पैक्ट पे जाता है तो HDR अल्ट्रा पे हम खेल लेते हैं, HDR टू अल्ट्रा, जो कि काफ़ी अच्छा बैकअप दिया है। मतलब अभी 9% बैटरी डाउन हुई थी और जो इसका बैकअप हम देखें इसको सेटिंग में जाकर, बैटरी कंज्यूमेशन में जाकर देखते हैं कितना बैटरी इसने लिया है। बैटरी एंड डिवाइस केयर, देखिए बैटल ग्राउंड का 8.70% लिया है और फुल 39 यानी 40 मिनट लगभग इसने 10% लिया है। पहले देखिए आप 42 मिनट खेल रहे हैं तो 40 मिनट हम मान के चलते हैं, तो लेस 40 मिनट में लगभग इसने हमें सिर्फ बैटरी कंज्यूम की है 10% की, तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिया है इसने। और जो लैगिंग वगैरह का इशू मुझे कहीं से कहीं तक इसमें अभी तक नहीं मिला है एंड बैकअप भी काफ़ी सही दे देगा। अगर आप इसको अल्ट्रा, जैसे मैंने देखा है अल्ट्रा पे इसको गेम खेल रहे थे हम, तो किस पे खेल रहे थे हम, ये HDR अल्ट्रा, अगर हम HDR अल्ट्रा पे गेम प्ले खेलते हैं तो लगभग 7 से 8 घंटा का बैकअप ये इजीली दे देगा, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात है। अब इसको HDR अल्ट्रा पे गेम प्ले खेलते जो इसकी फुल ऑन सेटिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे का बैकअप आपको ये दे देता है। जैसे मैंने देखा कि 40 मिनट का हमारा एक गेम प्ले था, तो जिसमें 10% की बैटरी जो इसमें कंज्यूम की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड प्लस ये दिक्कत है इसमें, हीटअप की दिक्कत तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लैग करने लग जाए या ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ऐसा इसमें कहीं से कहीं तक मैंने देखा नहीं है। थोड़ा एल्यूमिनियम बॉडी है तो हीटअप ये हो जाता है। अगर आप गेमिंग के इससे खेलते हैं तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं आएगा। अब शायद मैं अपने गेमिंग वाले चैनल पे इस पर कुछ वीडियोस दो अपना आप अपलोड करता रहूँगा। गेमिंग प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही स्मूथली मक्खन तरीके से चलता है। बाय करना चाहोगे, गेमिंग खेलना चाहते हो तो अच्छा गेमिंग खेल लेता है, ऐसा बुराई इसमें नहीं है, लेकिन 6 से 7 घंटे के बैकअप आपको इजीली ये दे देगा यार। बहुत अच्छा गेम प्ले है मेरे को जो लगा है, बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है।
गेम प्ले के हिसाब से। सो गाइज आज का वीडियो फिलहाल यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट रिव्यू के साथ। ओके बाय टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।